नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती 2019 की, जो अभी हाईकोर्ट भर्ती निकली हुई है कनिष्ठ सहायक की, उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं है, बिल्कुल सीधी भर्ती है, और उसका आगे का जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी लास्ट डेट, फीस वगैरह सारी फुल इंफॉर्मेशन वीडियो को मिलने वाली, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। अभी दोस्तों 2 दिन पहले इसका शॉर्ट विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन दोस्तों मैंने वीडियो वैसे बना के आपको इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि जब विस्तृत विज्ञापन आएगा तभी मैं आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन दे पाता हूँ। तो दोस्तों विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट पर आ चुका है, तो चले दोस्तों हम सीधा चलते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की जो भर्ती है और उसकी PDF में जाते हैं और एक एक बातों को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं मोपाल सिंह रणावत एजुकेशन रेट वीडियोज और जॉब अलर्ट के वीडियोज बनाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको जॉब अपडेट और एजुकेशन रेट अपडेट मिलते रहे, और आप हमेशा आपको आपके लिए नोटिफिकेशन ऑन रहे ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो विस्तृत विज्ञापन है। दोस्तों आप सामने दिख पा रहा होगा आपको विस्तृत विज्ञापन, दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये विस्तृत विज्ञापन 20/8/2019 को जारी हुआ है, मतलब ये कल की डेट में जारी हुआ था, और कनिष्ठ निजी सहायक अंग्रेजी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा है दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें पे स्केल भी बहुत हाई है, 23,700 आपको प्रोबेशन में मिलेगा, बाकी लेवल 10 की सैलरी है इसमें, मतलब आप जो थर्ड ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी होती है लेवल 1 या लेवल 2 के जो TGT होते हैं उस अकॉर्डिंग पूरी लेवल की बहुत ही अच्छी भर्ती है। अगर आप लगते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया फ्यूचर सेफ की अच्छे राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम के तहत भर्ती है ये पूरी। और दोस्तों रिक्त पदों हेतु आरक्षण इसमें दोस्तों टोटली आपको कैटेगरी वाइज बैकलॉग वैकेंसी SC ST 27 है, और बाकी अनदर 42 वैकेंसी है जिसमें UR जनरल SC ST OBC MBC है। और टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो UR अनदर जनरल की 17, SC की 22, ST की 16, OBC की 8, MBC और EWS के भी पद है, और टोटल 69 पोस्ट की इसमें वैकेंसी है। और इस अकॉर्डिंग रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें दिव्यांगों और भूतपूर्व सैनिकों के पद आरक्षित हैं जिसमें उसका निर्णय दे रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों मिनिमम एलिजिबिलिटी की। दोस्तों इसमें आपको टोटली विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समकक्ष डिग्री, मतलब आप BTech BCom या जो भी है ग्रेजुएशन डिग्री आपने कर रखी है जिसको की समकक्ष है तो वो उस डिग्री से आप कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इसका नाम ही पोस्ट है कंप्यूटर की जो हेल्पर है वो इंग्लिश में। आप शारीरिक रूप से बिल्कुल सक्षम होने चाहिए, मतलब कहीं स्वस्थ होना चाहिए, इसका कोई फिक्स वो क्राइटेरिया नहीं दिया गया, आप कर सकते हैं इजीली। उसके बाद दोस्तों एज की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर और हाईएस्ट 40 या 40 ईयर की एज में आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2020 को आधार मान के एज की गणना करनी है। उसके बाद ये दोस्तों छूट के रूल्स दे रखे हैं, इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जरूर डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को पूरा देखिएगा। चरित्र आपको वही आपको जो लास्ट एजुकेशन आपकी जो संस्था है वहां से आपको लाना होगा। इसके बाद दोस्तों परीक्षा शुल्क की बात करते हैं, सामान्य EWS OBC के लिए ₹650 और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए ₹550, और दोस्तों SC ST के लिए ₹400 टोटल इसमें फीस रखी गई है टोटली। इसके बाद फीस है जो आपको पे करनी होगी इसमें बैठने के लिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात है इसमें जो सिलेक्शन के लिए जो प्रोसेस है उसमें कहीं भी रिटर्न एग्जाम नहीं है, मतलब अगर आपकी कंप्यूटर में अच्छी नॉलेज और टाइपिंग वगैरह आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, इंग्लिश पे आपकी कमांड है, तो ये पोस्ट दोस्तों आप ही के लिए है क्योंकि इसमें रिटर्न एग्जाम का कोई कहीं कोई झंझट नहीं है। आप इंग्लिश में शॉर्ट हैंड होगा आपका, 8 मिनट का टाइम में 90 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड करना होगा, 50 मार्क का होगा ये टोटली। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है दोस्तों, इसमें यहाँ कंप्लीट लिखा हुआ विज्ञापन में। उसके बाद जो आपने शॉर्ट हैंड में टाइप किया उसको वापस कंप्यूटर में भी टाइप करना होगा, 60 मिनट का ये भी ड्यूरेशन रहेगा। तो टोटली ये जो टेस्ट के बारे में जो स्टेनोग्राफर का टेस्ट है उसके बारे में अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो टोटली मतलब बात यह है कुल मिला के अगर आपको रिटन एग्जाम नहीं है इसमें और आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड और जो आपकी टाइपिंग है कंप्यूटर उसके बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा इसमें, और बहुत ही अच्छी भर्ती है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश से हैं और आप सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जो डेट वगैरह की, आपको इसमें 26/8/2019 से एप्लीकेशन प्रारंभ हो जाएंगे स्टार्ट हो जाएंगे, और 16/9/2019 से पहले आपको अप्लाई करना होगा और 17/9 से पहले फीस जमा करनी होगी, मतलब 16/9/2019 इसमें लास्ट डेट है दोस्तों, 16/9/2019 से पहले आपको इसमें अप्लाई करना होगा। और दोस्तों आपका जो माह और दिनांक है जो यथोचित समय से प्रसारित किया जाएगा, मतलब जो माह है वो समाचार पत्रों से आएगी। और दोस्तों चैनल पर बने रहिए, मैं यहाँ कम्युनिटी के माध्यम से आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा, और इस चैनल पर ऐसे जॉब अलर्ट के वीडियोज मिलते रहेंगे आपको। इसके बाद इसमें हमारा वेबसाइट से है ऑनलाइन आवेदन है, उसके बाद आप दोस्तों इसमें कम्प्लीटली आपको पूरा ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद इस भर्ती रिलेटेड कुछ क्यूरीज है तो आप इसको हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ये बहुत ही अच्छी भर्ती है, अगर आपके इंग्लिश पे कमांड है टाइपिंग वगैरह आपकी बहुत अच्छी है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आशा करता हूँ मैंने इस वीडियो में लगभग आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। इसी प्रकार की वीडियोज़ और जॉब अलर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।